सी लास्ट डेट ऑफ योलोटसी वाज कॉल्ड द सुप्रीम द पुलिस अनुपूर ने लेटर ही इज प्रेजेंट बिफोर योलोटसी मिस्टर एसपी What is your explanation? Why you did not send DNA FSL for DNA examination? सर एक्चुअली जो FSL केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया था उसमें उसके बाद उसका जो DNA ड्राफ्ट है वो नहीं भेजा गया था उसके संबंध में सर जब जैसी संज्ञान में आया सर इमीडिएट कार्रवाई की गई सर विद इन 10 डेज सर उसको सबमिट किया गया सर दैट्स व्हाट दैट एक्शन यू हैव टेकन अगेंस्ट द एनदर पुलिस ऑफिसर यू हैव सीन ऑल द 4 पर्संस हु आर इन्वॉल्वड इन द इन्वेस्टिगेशन दे वर पेनल्टी बाय दिस मलाड एंड वन इज द टीआई मलाड रन तो देयरफॉर द रिकमेंडेशन हैज सेंट टू द आईजी मलाड इन ऑल द एक्शन टेकन रिपोर्ट वी हैव सबमिटेड यू लॉट सी डिड यू रीड सेक्शन 53 A and 164 A of the CRPC? Yes, sir. क्या है? सर 53 में जो पीड़िता है उसका सैंपल लेना कंपलसरी है 164 में सर आरओपी का सैंपल लिया जाता है तो सर आपने क्यों नहीं इसका कंप्लायंस आपकी पुलिस रेगुलर क्यों नहीं कर रही है ये कंप्लायंस रेगुलर क्यों नहीं हो रही है ये मैंडेटरी प्रोविजन है ये आपको करना है जी सर सर ध्यान रखेंगे सर अगर आप बच्चों के केस में भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन वर इशूड मलाड एंड ऑलवेज दिस इज द फर्स्ट केस मलाड अदरवाइज वी आर डूइंग द आवर लेवल बेस्ट टू कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट मलाड व्हेन दिस नाउ डीएनए रिपोर्ट इज रिसीव्ड इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव मलाड विद द टू एक्यूज्ड पर्संस मलाड And in absence of DNA report, accused would have got bail. Well, is Malad, and we are praying for DNA report, Malad. In fact, in this case, admittedly, we failed to produce within time, Malad. Agar if you people will not take action, then we will take action against you. We have definitely taken action, Malad, against all the persons. Concerned with the investigation. Violation of the mandatory provisions makes it punishable. अगर आप लोग ये आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे तो फिर आपके खिलाफ हमको केस दर्ज करने का ऑर्डर करना पड़ेगा सर वो भविष्य में नहीं होगी सर और ये मैं संडे की है एक दो दिन के भीतर की है वहां तो आपको एफएसएल डीएनए डन एंड देयर कराना चाहिए सर्कुलर इज आल्सो इशूड फ्रॉम द हायर पुलिस अथॉरिटी एवरी ईच एंड एवरी केस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट द एफएसएल इज पॉजिटिव और नॉट इन केस ऑफ रेप मतलब वी आर कंडक्टिंग दैट इज द लॉ मतलब मतलब डेफिनेटली वी आर आल्सो मेंशनिंग द ऐसे ही आप लोग जो आप एनडीपीएस के केसेस आप लोग दर्ज कर रहे हैं Why you people are not making compliance of section 52A? वो भी मैंडेटरी प्रोविजन है और आपको चार्जशीट के साथ ही एफएसएल रिपोर्ट पेश करनी है और आप लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं In fact, we are making best efforts even when we do not collect. क्या है कि otherwise भी मत कुछ चेक If take action against the higher police officer, not only against the SP, but also against the DGP and other level officers, because you cannot ignore the provisions of law, you have to follow them. Sir, follow them.